जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इसका जवाब आता है, साहब आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। ये तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम। 11 मई 1973 को फिल्म जंजीर में हुआ ये संवाद अमिताभ बच्चन और प्राण के बीच था। ये डायलॉग आज भी लोगों के जहन में है। लेकिन जिस फिल्म में प्राण ने जो किरदार निभाया था वो था शेर खां का, जिसे मुंबई का पहला डॉन कहा जाता है, जिसकी एक तस्वीर ने कुछ समय पहले ही ऐसा तहलका मचाया था कि दिल्ली सियासत भी हिल गई थी। कौन था वो अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन जिसने दाऊद को सरेआम पीटा था, और सपनों के शहर माने जाने वाले मुंबई में उसने एक छत्र राज किया था। कहा जाता है कि मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान था, मगर आज बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुंबई का पहला डॉन अफगानिस्तान से आया पठान अब्दुल करीम खान था। 50 के दशक में जिसका नाम शेर खान था, जिसे बंबई का बच्चा बच्चा जानता था। 7 फुट लंबा कद, गोरा रंग और हर वक्त पठानी सूट पहनने वाले शेर खान पठान ने ही बंबई को डॉन का मतलब बताया। खुद हाजी मस्तान ने एक बार कहा था कि करीम खान सबसे बड़ा डॉन है। अफगानिस्तान में कुनार प्रांत के रहने वाले करीम खान का जन्म 1911 में हुआ। ये साफ नहीं है कि वो किस साल बंबई आया था। कहा जाता है कि वो 30 दशक के आखिर और 40 दशक के शुरू में अफगानिस्तान से पेशावर और फिर वहां से बंबई पहुंचा था। उसकी उम्र करीब 21 साल की बताई जाती है। करीम खान अफगानिस्तान के शाही परिवार से ताल्लुक रखता था। लेखक हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई 6 decades ऑफ मुंबई के मुताबिक 7 feet लंबे पाश्तून करीम खान ने अपने करियर की शुरुआत डॉक में काम करके की थी। हालांकि ये रिकॉर्ड्स में है, लेकिन ये भी दावा है कि करीम खान जब मुंबई आया तो दक्षिण मुंबई के ग्रांड ट्रंक रोड रेलवे स्टेशन के पास एक जगह किराए पर ली और जुए का अड्डा चलाने लगा। जुए के साथ साथ पुजवारियों को पैसे उधार भी देने लगा, जहां दिन रात भीड़ लगती रहती। धंधे की मांग उसे सूदखोर बना दिया। जुआ खेलने वालों को वो ब्याज पर पैसे देने लगा, और जिस तरह करीम खान का नाम बदलकर करीम लाला हो गया। इस बीच पुलिस ने भी निगाहें टेढ़ी की, लेकिन करीम खान का उसूल था कि वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता था। उसने वही किया, पुलिस को हिस्सा देना शुरू किया। वो रेड लाइट एरिया में घुसा और अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब समेत कई जगहों पर लड़कियों को भेजने लगा। धीरे धीरे पेट मजबूत होती गई। 40 का दौर चल रहा था, देश आजाद नहीं हुआ था, हीरे जेवरात की तस्करी होने लगी थी। करीम लाला का भी इस ओर ध्यान गया। उसने भी सोने और हीरे की तस्करी करने की ठानी और इस धंधे में कूद गया। करीम लाला एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका था। उसने अपना गैंग बनाया जिसका नाम पठानी गैंग रखा, यानी लाला का गैंग। इसी दौरान हाजी मस्तान ने भी सोने हीरे की तस्करी की सोची, लेकिन वो जानता था कि करीम लाला से बैर लेकर इसे करना संभव नहीं है। हाजी मस्तान और करीम लाला के मिजाज एक थे, दोनों की दोस्ती हुई, समझौता हुआ और अपना अपना काम करने लगे। हुसैन जैदी की किताब के मुताबिक करीम लाला पिधोनी, नागपाड़ा, कमाठीपुरा और नागदा जैसे दक्षिण बंबई के इलाकों में अपना धंधा करता था, जबकि समुद्री इलाकों में हाजी मस्तान का कब्जा था। डॉन के हिसाब से मुंबई के 2 हिस्से हो चुके थे। इसी दौरान तीसरे शख्स की एंट्री होती है, वरदाराजन मुदालियर, जिसे मुंबई में तमिलों का मसीहा कहा जाता था, जिसे खुद अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला ने मयांक नगरी का माफिया बनाया। 1970 के दशक में जो मुंबई का बाहुबली और ताकतवर गैंगस्टर बनकर उभरा था। जैसा कि हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई 6 decades ऑफ मुंबई माफिया में लिखा है, तीनों ने एक तरह से 1970 और 1980 के बीच मुंबई पे राज किया। इसी दौरान करीम लाला के पैरों में कुछ दिक्कत हो गई और फिर वो लाठी लेकर चलने लगा, यानी काले रंग की छड़ी। कद 7 फुट था तो काली रंग की छड़ी उसका फैशन आइकन बन गया। अब जहां करीम लाला नहीं पहुंचता वहां उसके गुर्गे छड़ी रखाते थे, तो लोग समझ जाते थे कि ये करीम लाला का संदेश आया है। करीम लाला डॉन के साथ साथ रॉबिन हुड की भूमिका में भी रहता था।
बेशुमार दौलत का मालिक बना करीम लाला गरीबों की खूब मदद करता था। वो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार तक लगाता था। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स कलाकारों से भी करीम लाला के रिश्ते थे। कोई परेशानी होने पर एक्टर या एक्ट्रेसेस उसके पास पहुंचते थे। दिलीप कुमार, हेलन जैसी फिल्म स्टार्स के वो संपर्क में रहता था। बताते हैं कि हेलन की एक बड़ी समस्या का हल करीम लाला ने चुटकियों में करा दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि बड़े बड़े अधिकारी से लेकर जज तक करीम लाला के पास पहुंचते थे। करीम लाला एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन उसकी एक दिली तमन्ना थी कि वो राष्ट्रपति भवन देखे। इसी बीच वो तमन्ना पूरी करने का वक्त आया, साल 1973, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस दरमियान पद्म भूषण देने के लिए नामी हस्तियों को इनवाइट किया गया। इस इनविटेशन में मुंबई के जाने माने कलाकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का भी नाम था। करीम लाला को पता था तो वो सीधे हरिंद्रनाथ के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली जाने की इच्छा रखी। करीम के फैसले को कौन टाल सकता था। हरिंद्रनाथ तैयार हो गए और वो उसे दिल्ली लेकर गए, जहां उन्हें राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने के वक्त वहां पर इंदिरा गांधी से लेकर देश की कई जाने मानी हस्तियां मौजूद थीं। पुरस्कार समारोह खत्म हुआ, सब एक दूसरे से मिले। इस दौरान हरिंद्रनाथ से इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई और करीम लाला भी उनके साथ थे। इन तीनों की एक तस्वीर खींची, जिस पर हाल ही में कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था। संजय राउत ने कहा था कि इंदिरा गांधी और करीम लाला की मुलाकात होती थी, जबकि सिर्फ एक तस्वीर ही सामने आई है जिसमें करीम लाला की इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई थी। हालांकि इसके बाद कई बार इंदिरा मुंबई गईं, लेकिन करीम लाला से मुलाकात हुई या फिर नहीं, इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। दावे तो कई होते हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। सब ठीक चल रहा था। 1980 तक करीब 40 साल तक करीम लाला ने एक छत्र राज किया। उससे बड़ा कोई डॉन नहीं हुआ। फिर कई गैंग उभरने लगी। हाजी मस्तान राजनीति की ओर चले गए। वरदराजन, मुदालियर सारा धंधा समेट कर चेन्नई चले। अब सिर्फ करीम लाला पठान एक्टिव गैंग था। ये वो वक्त था जब दो भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर और दाऊद इब्राहिम कास्कर गोल्ड और डायमंड की तस्करी के लिए आगे आ चुके थे। 81 से 85 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद गैंग के बीच खूब झगड़ा हुआ, कई लोग मारे गए। 1985 के आसपास की बात है जब दोनों में गैंग वॉर शुरू हो गया। इस बीच दाऊद के भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर का कत्ल कर दिया गया और दाऊद बौखला गया, बदला लेने के लिए बेताब हो गया, लेकिन मौका नहीं मिला। दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के बीच झगड़े से ही गैंग वॉर शब्द निकला था। कहते हैं कि एक बार दाऊद इब्राहिम मुंबई में करीम लाला के हत्थे चढ़ गया तो करीम लाला ने दाऊद की जमकर पिटाई की। इस दौरान दाऊद को गंभीर चोटें आई थी। ये बात मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी मशहूर है। समय बीतता गया, फिर दाऊद और करीम लाला के बीच बंबई में गैंग वॉर होने लगी और मुंबई की सड़कें खून से रंगने लगी। धीरे धीरे शेर खान पठान उर्फ करीम लाला ने अपने धंधे से एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया। करीम लाला शांत रहने लगा और 19 फरवरी 2002 को करीम लाला की बीमारी के चलते मौत हो गई। लेकिन आज भी उसका अंदाज बड़े बड़े माफियाओं को प्रभावित करता है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत ने। स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।